सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम निकल रहे हैं हमारे कुछ जरूरी काम पे। आज हो सकता है हमारी जर्नी थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि हमें आज टूर जाना है। अभी नहीं बताएंगे, आप गेस करिएगा ब्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा, अभी बताइएगा कहाँ जाएंगे आज हम। एक लंबी जर्नी पे हमको जाना है आज। तो हमारा काम तो हो गया था पूरा, हम निकल लिए हैं। थोड़े से लेट हो गए हैं, तकरीबन बज रहे हैं 4 और अभी हम रिलायंस स्टैंड रुके हैं कुछ ख़रीदने के लिए। यहाँ से ख़रीद के फिर सीधा मथुरा निकलेंगे। तो हम निकले थे थोड़ा सा लेट, 5 बज गए थे, तो ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि कैसे भी हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा सही तरीके से चला लें। तो अब हम एक्सप्रेसवे पे हैं, एक्सप्रेसवे इन सेंस ईस्टर्न पेरिफेरल, मेरी जवान लड़खड़ा रही है थोड़ी सी, ईस्टर्न पेरिफेरल पे हैं हम। मथुरा के लिए निकल लिए हैं। आप लोगों ने बहुत में से तो गैस कर लिया होगा अब तक कि हम पे कोई और जगह ही नहीं जाने को। तो मथुरा जा रहे हैं अभी। लग रहा था कि रात को काफ़ी दिन से बहुत अच्छा कोहरा हो रहा था, मगर अभी जैसे 8 बज रहे हैं तो कोहरा तो बिल्कुल नहीं है। मगर हाँ, उधर उत्तराखंड की शायद जो था थोड़ा सा फॉग था, मतलब बादल कह लो आप, था तो सही। और अभी 31st है आज, तो हर जगह हमें रास्ते में जो भी मिल रही है वो सब भरी हुई मिल रही हैं। गाड़ियाँ चकाचक भरी पड़ी हैं, टोल सारे जाम चल रहे हैं। पता नहीं लोग 31 में कहाँ जा रहे हैं, शायद हम जैसे लोग घर ही जा रहे होंगे। पता नहीं भैया कौन सी लोग बता रहा था कोई इंस्टाग्राम पे कि आपको फास्टैग की लाइन में आप लगे हैं और आपको 3 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो आपको फास्टैग नहीं देना पड़ेगा। देखो भाई साहब, 2 मिनट तो हो गए, हम लोग 31 पे रुके हुए हैं, हमारी लेन बिल्कुल बंद पड़ी है। अब 9:33 हो रहे हैं और ये अब भी बंद है। और ये मुझे लग नहीं रहा, ये जो टोल है ये होडल वाला टोल है जो दिल्ली से मथुरा की तरफ जाते हैं। तो भैया जो भी वीडियो को देख रहा है, अगर कोई जानता है इस बारे में तो कृपया करके बताएं कि ये कैसे, क्या कहते हैं, ये हमारा टोल कैंसिल करें। क्या फ़ायदा फास्टैग लगवाने का, फिर आदमी फास्टैग नहीं लगवाए ना, फिर तो नगद वैसे दे के निकल जाएगा। कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है फास्टैग का यहाँ पे, हमें लग रहा है जाम लगा पड़ा आराम से, टोल पे जाम लग रहा है। 9:35 हो रहे हैं, 4 मिनट हो गए हैं भाई। अब भी ये वाली लेन जाम पड़ी है, इस लेन से हमने इस ट्रक वाली लेन में डाली है गाड़ी क्योंकि हमने बैग ली है। टाटा सुमो लेके आ गए, खड़े भए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाम पड़ी है गाड़ियाँ। बस एक ये लेन चल रही है, ये वाली बंद है। अब ये मुझे लगा जेब बंद है कहीं, कोई फायदा नहीं है किसी फास्टैग को देने का। अब ये देखिए, 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने उससे पूछा टोल वाले से कि भाई साहब इतनी देर इंतजार करने के बाद हमको मतलब टोल देना पड़ेगा, तो उसका एटीट्यूड कैसा था? वगैरह चल आगे चल, मतलब ये तो हमारे सरकार के आपके वो है, क्या कहते हैं, टोल बूथ पे बैठे हुए लोग मतलब 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, उनकी खुद की मशीन काम नहीं कर रही है, तो क्या कहते हैं उनका ट्रक वाले का टोल नहीं, वो फास्टैग से उनका वो नहीं कट रहा। तो भैया अगर कोई वीडियो देख रहा है और कोई सरकार का आदमी है तो इस पर कृपया करके आप अगर एक्शन ले पाएँ तो कृपया कर बताइए, नहीं तो हमें लग नहीं रहा है कि रोड में टोल लेने का क्या फ़ायदा है। मत बनाइए आप, मत करिए काम को, मतलब कम से कम जो जनता का पैसा है वो जनता के पास ठीक तो रहेगा, टैक्स भी दे आदमी, सारे काम भी करे, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता किसी भी चीज़ का। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड ऐसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो सोच रहे हैं वो राजा है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, ये समय चल रही है एक विंटेज गाड़ी और ये पुरानी गाड़ी है, मैं कोशिश करता हूँ इसका वीडियो अगर बन जाए साइड से। तो विंटेज गाड़ी है, हम पहुंच गए हमारे घर। हमने घर पे नहीं बताया किसी को, हमारे छोटे भाई को शायद मालूम होगा क्योंकि हमारी गाड़ी का टोल उसके मोबाइल से कनेक्टेड है। और हम आ गए हैं हमारी गली में, और जी आ गए हम हमारे घर, होम स्वीट होम। ओहो भाई साहब, कितना जोर को बनो है, हम अपने घर पे बहुत दिनों बाद आ रहे हैं तो हमें मालूम ही नहीं है घंटी खुले कैसे खुलेगी। लॉक फॉक सब लग गए यार, बढ़िया तरह से। कुंडा मार रखो है, कुंडा मार रखो है। बाहर खुला है जी, बाहर खुला है, बाहर। हाँ हाँ,
वाओ भाई जे किस चीज़ को अच्छा है तो वही झाड़े जो सबरे लगाए हैं। गाड़ी खड़ी करूँगा उधर, अभी सामान वामान बहुत है। तो दोस्तों अब बज रहे रात के एक, हम आ गए थे घर अभी रात को। हमने बाहर से आपको पूरा हमारा घर जो है देखा नहीं होगा आपने, क्योंकि रात हो रही है, बाहर गार्डन है एक छोटा सा। तो सुबह उठेंगे, कल से अगला ब्लॉग बनाएंगे, और हो सकता है वो कह सकता अभी जिस जिसके घर पे 2023 आ गई है वो अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर मनाए। हमारी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर, मौज करें जीवन में, कोहरा काटें, बवाल मचाएं। ठीक है जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मौज करें, हमारे ब्लॉग देखें, ब्लॉग शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे।